बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसन की बर्फी की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। बेसन की बर्फी बहुत परफेक्ट बन के तैयार होती है और एक बार इसे आप जरूर ट्राई करें। तो चलिए बनाते हैं बेसन की बर्फी। हम आधा कप घी ले रहे हैं, हम 1.5 कप बेसन ले रहे हैं। ऐसे कप के मेजरमेंट के हिसाब से हमने 1.5 कप बेसन लिया है। इसकी फ्लेम को लो पर रख के ये बेसन को ऐसे भून लेते हैं। अच्छे से इसे मिक्स करके भून लेना है। इसमें 1/4 कप रवा ऐड कर लेते हैं, सूजी इसमें ऐड कर लेते हैं। रवा डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए भूनना है। लो फ्लेम पर हमें इसे भूनना है। हल्की हल्की बेसन की खुशबू पूरे घर में महक रही है। बेसन, रवा, घी सबको एक साथ ऐसे मिक्स करके लेना है। 1/2 कप शक्कर ऐड कर लेते हैं। 1 टेबल स्पून इलायची पाउडर ऐड कर लेते हैं। अब शक्कर और इलायची को इसमें मिक्स करते रहना है। लो फ्लेम पे ही हमें रख के इसे अच्छे से भुनना है। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच घी फिर से ऐड कर लिया है। घी डाल के इसे भून लेना है। ये कढ़ाई जैसे ही बेसन को अलग करने लग जाए इसमें हम थोड़ा सा घी और ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून घी हमें इसमें ऐड करना है। फिर से इसे ऐसे भून लेना है। इसको और कलरफुल बनाने के लिए मैं यहाँ पर हल्का सा ऑरेंज कलर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो येलो कलर भी यूज कर सकते हैं। अब इसको हमें अच्छे से भून लेना है। जैसे ये बेसन कढ़ाई छोड़ने लग जाए तो समझ जाइए कि ये बर्फी बनने के लिए तैयार है। ये देखिए ऐसे ये भुनकर तैयार है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे सेट करके ले लेते हैं। हम ये केक टिन को घी या ऑयल लगा लेते हैं, जो बर्फी के लिए तैयार किया हुआ बेसन है। अब हम इसमें ये डाल देते हैं। इसके ऊपर काजू बादाम पिस्ता डाल देते हैं। काजू बादाम पिस्ता डालने के बाद थोड़ा सा इसको प्रेस करके ले लेना है। इसे कोई भी प्लेट में भी सेट करके ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर केक टिन का इस्तेमाल किया है। 7 से 8 घंटे हमें इसे सेट होने के लिए रख देना है। हमने बर्फी को फ्रिज से निकाल लिया है। हमने 4 घंटे बाहर और 4 घंटे फ्रिज में इसे रख के 8 घंटे बर्फी को सेट करके ले लिया है। देख रहे हैं आप, बहुत परफेक्ट बन के तैयार हुई है। बहुत परफेक्ट बर्फी बन के तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी परफेक्ट बनी है ये। अब हम ऐसे ही सारी बर्फी कट करके ले लेते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बेसन की बर्फी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे कोई भी एयर टाइट डब्बे में डालकर पैक करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये 8 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।